राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली धौलपुर की भाजपा विधायक शोभा रानी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताया जा रहा है कि शोभा रानी अगले हफ्ते कांग्रेस का दामन थामेंगी। दरअसल शोभा रानी कुशवाहा ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को वोट डालने की जगह कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को वोट डाल दिया। इसके बाद शोभा रानी को पार्टी से निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर जवाब मांगा था। जवाब में शोभा रानी ने मीडिया में 2 पेज का बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा के तमाम बड़े नेताओं पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। भाजपा ने शोभा रानी के मीडिया स्टेटमेंट को उनका जवाब मानते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर विधानसभा सचिवालय को सूचित कर दिया। बताया जा रहा है कि शोभा रानी फिलहाल धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस MLA गिरिराज मलिंगा के संपर्क में हैं। मलिंगा और शोभा रानी के पति पहली बार बहुजन समाज पार्टी से एक साथ MLA चुने गए थे। अगले एक हफ्ते शोभा रानी कांग्रेस में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि MLA शोभा रानी CM अशोक गहलोत के संपर्क में थी। शोभा रानी के पति BL कुशवाहा अभी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो कांग्रेस में आने के बाद राज की गहलोत सरकार शोभा रानी के पति को पैरोल पर छोड़ने की सिफारिश करेगी। बता दें कि शोभा रानी कुशवाहा बसपा के टिकट पर धौलपुर विधानसभा से चुनाव जीत चुके बनवारी लाल कुशवाहा की पत्नी हैं। बनवारी लाल कुशवाहा हत्या की कोशिश के मामले में जेल भेजे गए। इसके बाद इस सीट पर 9 अप्रैल 2017 को उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बनवारी लाल कुशवाहा की पत्नी शोभा रानी को भाजपा से टिकट दिलवाया। राजस्थान की सियासत में शोभा रानी कुशवाहा वसुंधरा राजे की खास मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।